हेलो, प्रणाम सभी दोस्तों को। कैसे आप सभी? दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे काफ़ी दुख हो रहा है आज कि हमारे धाली वैली में एकमात्र जो किंग कोबरा थे वो आज रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है। ये देखते आप, आज ही यह घास के बीच से सड़क की तरफ आ रहे थे और अचानक किसी पत्थर में बजे या किसी कांच में यह बजे। ये देखते आप, इनके मुंह से खून आप देख सकते हैं, हल्का हल्का निकल रहा था और इनके बीच पेट में भी कहीं चोटें आई हुई है। तो अभी हम इनको उठा रहे हैं और इसको रोड की साइड को हम लोग रखेंगे, तो देखेंगे यह बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो अपनी तरफ से यह कोशिश रहेगी इनको कि कोबरा साहब को बचाने की, लेकिन आई थिंक यह नहीं बच पाएंगे क्योंकि जिस हिसाब से इनको चोटें लगी है, मुझे नहीं लगता यह बच पाएंगे। तो देखते हैं आगे वीडियो में। सो गाइज, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1 घंटे इनको हमने रेस्ट दिया, लेकिन यह मृत पाए गए। इनके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था, तो और इस जीव को हम अभी दबा रहे हैं और ज़मीन के नीचे इसको दबाएंगे क्योंकि गांव के लोग जो थे वह घास काटने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि इसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं गड्ढा इसको दबाने के लिए। ज़मीन में हमने खड्ढा कर दिया है और अब इसको अंदर हम लोग डालेंगे। ये रिश्ते लगभग 7 फुट साइज इसका था हाइट में और मोटा भी काफ़ी ज़्यादा यह था और काफ़ी प्राचीन यह पुराना सांप था। लगभग 10 सालों से दोस्तों मैं ही इसको देख रहा था, तो काफ़ी अच्छा रहता था कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी यह सांप ख़त्म कर देता था, जैसे चूहे मेंढक वगैरह को एकदम से खलास यह कर देता था। तो गाइस, कुछ इस तरह की घटनाएं आज हमारे धाली वैली में घटी।